नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप ज़मीन का रसीद खुद से कैसे काट सकते हैं। यहां आपके स्क्रीन पे एक तरफ पुराना रसीद है जो 2004-05 का काटा हुआ है, जिसका जमाबंदी नंबर 794 है, और दूसरी तरफ एक ऐसा रसीद है जिसको काट के हम आपको दिखाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप पुराने रसीद को खुद से कैसे सर्च करके लगान का भुगतान करेंगे और नया रसीद प्रिंट करेंगे। ऑनलाइन से संबंधित और भी नए वीडियो के अपडेट को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। ज़मीन के रसीद को ऑनलाइन काटने के लिए biharbhumi.bihar.gov.in के वेबसाइट को ओपन करेंगे। साइट ओपन होने के बाद सबसे पहले जमाबंदी पंजी को देखें, इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज में अपने ज़िला और आंचल को सेलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे, फिर हलका और मौजा को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पुराने रसीद पर अंकित जमाबंदी नंबर 794 को सर्च करके वर्तमान भाग और वर्तमान पृष्ठ संख्या को खोजेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपका जमाबंदी पंजी दिखेगा, जिसमें रैयत का नाम, खाता संख्या, वर्तमान भाग, वर्तमान पृष्ठ संख्या और जमाबंदी नंबर दिखेगा, जिसे आप वेरीफाई कर लेंगे और वर्तमान भाग संख्या और पृष्ठ संख्या को नोट कर लेंगे और होम पेज पे आ जाएंगे। यहां आप लगान पे करने के लिए भू लगान पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज में जिला, आंचल, हल्का और मौजा को सिलेक्ट करके जो भाग संख्या और पृष्ठ संख्या आप नोट किए हुए थे उसको यहाँ भरेंगे और कैप्चा भर के सर्च करेंगे। सर्च करते ही आपका जमाबंदी पंजी दिखेगा। अगर आपका जमाबंदी पंजी शो नहीं कर रहा है तो आप हमें कमेंट करें। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बना के बताऊँगा कि पुराने रसीद को जमाबंदी पंजी में अपडेट कैसे करेंगे। तो यहाँ आप जमाबंदी पंजी देखने के लिए देखें पर क्लिक करके अपना डिटेल्स और बकाया राशि को देखेंगे। लगान पे करने से पहले आप सारे डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लेंगे। फिर लगान पे करने के लिए नीचे कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे रेमिटर का नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस भर के टर्म एंड कंडीशन पे टिक करके ऑनलाइन भुगतान पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद भुगतान संख्या और ट्रांजैक्शन आईडी को नोट कर लेंगे फ्यूचर यूज के लिए। नोट करने के बाद ओके करके दोबारा ऑनलाइन भुगतान पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज में आप पेमेंट मोड में इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करने के लिए ई पेमेंट पे क्लिक करके बैंक को सेलेक्ट करेंगे और सबमिट पे क्लिक करके ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे।